बेटा हेडिंग दे दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। जिगर अगर आप इस वर्ड को ही देखोगे आप यहां देख रहे हो कि इट मींस सेम इज इट पोटेंशियल मींस पोटेंशियल वी ऑलरेडी स्टडी पोटेंशियल कोई ऐसी सरफेस कोई ऐसी जहां पर पोटेंशियल्स क्या होंगे उसको क्या बोलेंगे इसका कॉन्सेप्ट पहले सीखते हैं फिर देखते हैं बोला क्या जा रहा है यार मैंने तेरे को पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल तो पढ़ा मैं पॉइंट चार्ज एज एन एग्जांपल ले रहा हूं मैंने बहुत सारी कॉन्फिगरेशंस ली लेकिन कुछ उस निवान पॉइंट चार्ज क्या श्रीमान फर्ज कर यार ये पॉइंट चार्ज मैंने देखो बोला जिगर अगर ये मीडियम है पॉइंट चार्ज ये तक आपने पढ़ा एट अ डिस्टेंस आर द पोटेंशियल इज गिवन बाय शाबाश गामा क्यू अपॉन आर पढ़ा है कि नहीं और आप ये देख रहे हो बेटा पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस अच्छा इसका मतलब अगर मैं आर को फिक्स कर दूं आर को फिक्स समझ इतना पॉइंट चार्ज इधर गुस्से से बना तला जिला मेहमान पोटेंशियल का वैल्यू 10 वोल्ट है कितना 10 मुझे पता कितना चलना पड़ेगा तू क्या काम करेगा शाबाश तू स्टार्ट करेगा पॉइंट क्यू से और चलेगा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में पहुंचा फॉर एग्जांपल पॉइंट पी पर डिस्टेंस कवर की तूने आर डिस्टेंस कितनी कवर की तो एक सर पॉइंट पी पे पोटेंशियल 10 वोल्ट है ठीक है मुझे मान से जिगर से कवर उसको मैं तो बोल रहा सर इस वाली डायरेक्शन से चला मैं बोल रहा हूं जरा यहां इस वाली डायरेक्शन से जा जाते 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 यहां से भी तो पोटेंशियल इतना मिल सकता है सपोज पॉइंट क्यू मिल गया बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है तू पॉइंट क्यू पे चला गया तो बोल रहा सर यहां पर भी पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट उसे मना तला बी का डायरेक्शन से तो वहां सर यहां पर थे सो को से वो ये तो उसी पॉइंट एक्स उधर भी पॉइंट पोटेंशियल कितना था क्योंकि पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है कि नहीं अब आपको सीधी सी बात है डिस्टेंस को चलनी पड़ेगी आपको पोटेंशियल 10 वोल्ट तो फिक्स किया ना मैंने तेरे को 10 वोल्ट की तलाश में जाना है तो डिफरेंट डायरेक्शन से जा रहा है तो डिफरेंट डायरेक्शन से जा रहा है यहां से गया यहां पर तूने बोला पोटेंशियल है 10 वोल्ट यहां पर गया यहां पर बोला 10 वोल्ट यहां पर बोला यहां पर है 10 वोल्ट है कि नहीं अगर बेटा तू इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करने की कोशिश करेगा व्हिच यू समझो यू शुड माइंड प्लेन क्या यू शुड पॉइंट इधर से तू यहां से गया 10 वोल्ट यहां से गया 10 वोल्ट यहां से गया 10 वोल्ट पीछे से गया 10 वोल्ट नीचे गया तो ये कुछ थ्री डायमेंशनल चीज आ रही है ना बात समझ आ रही है स्फीयर जैसा मिल रहा है कुछ मैं बोल रहा हूं जरा इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर ये कैसा सरफेस हमें मिल गया शाबाश ये ऐसा सरफेस है बेटा जिस सरफेस पे हर एक पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है फिर ये एक ऐसी सरफेस है जिस सरफेस का हर एक पॉइंट जीरो पोटेंशियल डिफरेंस पे है क्यों क्योंकि तूने ये पॉइंट्स तभी जोड़े जब तेरे को सेम पोटेंशियल्स पहले पता थी वहां पे है कि नहीं तो जो तेरे को सरफेस मिल रही है इस सरफेस को बेटा हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं क्या चीज अपन मगर तिशी कसम अगर ये सरफेस हम किसी आइसोट्रोपिक मीडियम में तलाश करने की कोशिश करें बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही आइसोट्रोपिक मीडियम या अच्छा आइसोट्रोपिक मीडियम आइसोट्रोपिक मीडियम में हमने बोला था एक ऐसा मीडियम होता है किसी भी डायरेक्शन से जाओ वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी सेम होगी याद अच्छा कि ना अगर मीडियम इज आइसोट्रोपिक मीडियम क्या है तला मैं मानते हैं अगर मुझे 10 वोल्ट को तलाश करना किसको तलाश करना तो अगर मैं अलोंग एक्स एक्सिस चल रहा हूं आर वाई एक्सिस भी आर ही चलना पड़ेगा ना जेड एक्सिस भी आर ही चलना पड़ेगा ना जो सरफेस मिल रही ये फिर भी इक्विपोटेंशियल है अगर एनआइसोट्रोपिक मीडियम होता तब भी मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलती लेकिन एक फायदा मिल रहा है मुझे आइसोट्रोपिक मीडियम में क्या जो मेरा सरफेस है वो सिमेट्रिक आ रहा है कि नहीं तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस की शेप होती है वो डिपेंड करती है तो किस मीडियम में इसकी बात कर रहा है क्या तेरा मीडियम आइसोट्रोपिक है अगर आइसोट्रोपिक मीडियम है तो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हर साइड से क्या होगा पढ़ा है ना तो जब सेम होगा तो सेम डिस्टेंस के बाद ड्रॉप मिलेगा इतना
बात समझ आ रही है? जब आपका मीडियम कौन सा मीडियम? शाबाश, आइसोट्रोपिक मीडियम। तो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, बिकॉज आइसोट्रोपी, मैंने आपको कहा है बेटा आइसोट्रोपी इज अ डायरेक्शनली इनवेरिएंट। क्या कह ना, डायरेक्शनली क्या, इनवेरिएंट। ये जो आप जो मीडियम आसान जिसमें आप किसी भी डायरेक्शन से चले जाओ, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी विल बी सेम, है कि नहीं? यानी कि आर चलने के बाद तुझे ड्रॉप मिल रहा है 10 वोल्ट का, अगर यही आर तू वाई एक्सिस से चलेगा तब भी तेरे को 10 वोल्ट का ड्रॉप मिलेगा, अगर तू चल रहा है अलोंग जी एक्सिस तब भी तुझे शाबाश आर से ही चलने के बाद 10 वोल्ट का ड्रॉप मिलेगा। सो देयरफॉर बेटा, अगर ये मीडियम आइसोट्रोपिक है, जो आपका फिर ये सरफेस मिलेगा, जो आप ये जोड़ रहे हो इन पॉइंट्स को, जो आपको ये सरफेस मिलेगा बेटा, इट विल बी अ सिमेट्रिक सरफेस। क्या ऐसे? लेकिन अगर ही अस करो कथ एक्स एनिसोट्रोपिक मीडियम अस मंस, तो क्या वचक सुवचक, आपका पॉइंट यहां पर क्यों था, आप यहां चले गए 10 वोल्ट, आप इतना ही चले गए 10 वोल्ट, आप इतना चले गए 10 वोल्ट, आप इतना चले गए 10 वोल्ट। बात समझ आ रही है? ये कुछ मीडियम जो एनिसोट्रोपिक में डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन डिफरेंट होगा ना, जब डिफरेंट होगा तो इफेक्टिवली आपको अनइक्वल लेंथ्स की बात होगी, अनइक्वल लेंथ्स की बात होगी, तो जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने की कोशिश करोगे, आपको इस वक्त जो सरफेस मिलेगा, सो सिमेट्रिक सरफेस, या फिगर शो तरह, क्लियर शुया? सो रिमेंबर बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज डिफाइंड एज द लोकस, इट इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, it is defined as kya, the locus of all the points in the medium, it is defined as the locus of all the points. Locus samajhta hai na, locus samajhta hai na, you should path traverse asa, the path traversed by all those points, hai ki nahi? Kya likha, it is defined as the locus of all the points in the medium at which the potential, the potential due to a charge distribution is same. Chhathi, full stop. In case of isotropic medium, आइसोट्रोपिक समझता है ना, जरा ब्रैकेट में लिख, ऑल प्रॉपर्टीज आर सेम, सॉरी प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टीज इज सेम अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस। सॉल्यूशंस में मैंने आपको ये पढ़ा आइसोट्रोपी क्या होता है कि नहीं, वो टाइम अब बच गया, अदरवाइज फिर से पढ़ाना। अब समझो, हाँ, इनके सब आइसोट्रोपिक मीडियम, आइसोट्रोपिक, हाँ लिखा ना आइसोट्रोपिक मीडियम, इसमें लिखो एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज, एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम अ इन डिफरेंट डायरेक्शंस, इनडिफरेंट द पोटेंशियल विल बी सेम, होगा कि नहीं? मगर शर्त जो आइसोट्रोपिक और शर्त है इक्वल डिस्टेंसेस का। हाँ, अगर आपका मीडियम आइसोट्रोपिक है, पोटेंशियल फिर भी सेम मिलेंगे, लेकिन डिस्टेंस सेम, समझ रहे हैं ना? यानी कि तेम वीज गैस सोन सिमेट्रिक सरफेस क्रिएट किया, या ऐसे अनइवन सरफेस, कुंजाइश दूर, कुंजाइश किया, आता ऐसे अमीबॉइड सीडो शक्ला, अच्छा ठीक, लेकिन यहां पर बेटा हमेशा एक सिमेट्रिक सरफेस मिलेगी अगर आइसोट्रोपिक मीडियम की बात कर रहा है, ठीक है? क्या लिखा, द पोटेंशियल्स विल बी सेम, फुल स्टॉप, द सरफेस ऑब्टेन बाय जॉइनिंग ऑल द पॉइंट्स, the surface obtained, shabash, by joining all such points will be an equipotential surface.
ठीक छा शॉर्टेस्ट वन छू दिमाग में याद थाउन दैट कोई भी ऐसी सरफेस जहां के सब पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होगा सेम. तो इफेक्टिवली ये तो समझ आ रहा है ना कि अगर सब पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस पे होगा ही नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होती है. ठीक छा कितना फुल स्टॉप. द शेप ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस डिपेंड्स ऑन The shape of the equipotential surface depends on. जरा मुझे बताओ किस किस चीज पे डिपेंड करेगी. शाबाश, सोच के बताना आपका मीडियम कैसा है. इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम. डिपेंड्स ऑन शाबाश द नेचर ऑफ द और क्या शेप की बात हो रही. डायलेक्ट्रिक के साथ डिस्टेंस का भी कोई इशू नहीं. शेप को समझो. अरे डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा तो नजदीक ही. अब ये बात समझना, हम शेप की बात कर रहे हैं. दूर या नजदीक से कोई गर्ज नहीं, शेप कैसी होगी वो देखना चाहता हूं. आपको डिपेंड करेगा कि तेरी चार्ज कंफिगरेशन थी कैसी. तेरा पॉइंट चार्ज क्या है. इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बने अगर आइसोट्रोपिक मीडियम है. स्फीयर बन ना. अगर डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा कम होगा या तो वो सरफेस नजदीक आएगी दूर आएगी, लेकिन सफेदी तो होगी. बात समझना. यहां देख तो आर वन की बात कर रहा है, तेरा पोटेंशियल होगा 10 वोल्ट. अब जब तू आर टू की बात करेगा तो फॉर एग्जांपल आर टू इज मोर देन आर वन तो इफेक्टिवली तेरा डिनोमिनेटर बढ़ गया ना तो पोटेंशियल घटेगा. अब तू 5 वोल्ट वाली बात करेगा लेकिन बात देख क्या होगी. जरा देख ये तेरा होगा ना पॉइंट चार्ज यहाँ पे. अगर 10 वोल्ट की बात कर रहा है वो यहां पे आएगा लेकिन सफेदी तो आएगा. जब 5 वोल्ट वाली बात करेगा वो बाहर की तरफ आएगा. आश ना 2 वोल्ट होगा इससे बाहर होगा. बात समझ रहा है. लेकिन एट द एंड ऑफ द शेप तो सफेदी है. डायरेक्टर से कोई फायदा नहीं, डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है. कॉन्फ़िगरेशन कैसी है उससे फर्क पड़ रहा है. मसला इन 45 पर समझ. हमारे पास लाइन चार्ज क्या शू लाइन में सिमेट्रिक ने फिर किन सफेयर मां भाई लाइन चार्ज की बात हो रही. इस पे चार्ज. बात समझ आ रहा है. ठीक है. यदि आइसोमेट्रिक सरफेस आइसोट्रोपिक मीडियम से या कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस से क्या होना पोटेंशियल किसके बराबर होता है. पढ़ा है हमने क्या लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉन ऑफ आर टू. या पढ़ाया था यार. तो इफेक्टिवली वो सेम डिस्टेंस पे आएगा. इधर भी ये सरफेस बनने वाली है लेकिन ये सरफेस सिर्फ यहां से नहीं होगी. लाइन ऐसे खड़ी है ये इधर भी होगी तो क्या बन रहा है. सिलेंडर बन रहा है ना. तो शेप चेंज हो गई. क्यों? क्योंकि चार्ज कॉन्फिगरेशन डिस्ट्रीब्यूट हो गई. ये भाई नहीं यूज होंगे फिगर शेतरा. पॉइंट चार्ज की वजह से हमेशा स्फीयर ही होगा. लाइन चार्ज की वजह से सिलेंडर होगा. अगर पॉइंट चार्ज है अगर point और पॉइंट ऑफ एनालिसिस बहुत दूर है तो आपका प्लेनर बन जाएगा. बनेगा कि नहीं जरा लिखो. इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द वेदर आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक. वेदर आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक. अगर आइसोट्रोपिक होगा तो सिमेट्रिक होगा. एनाइसोट्रोपिक होगा तो अनसिमेट्रिक होगा. या ठीक छा दूसरी पॉइंट The type of charge configuration. Chhadi. The type of charge configuration. Tale. For point charge, the equipotential surface will always be a sphere. For point charge, the equipotential surface will always be a sphere. बात समझ आ रही है ना? ठीक है? For several equipotential surfaces, इसी के साथ. For several क्या? Will obtain what? क्या मिलेगा हमें अगर ना सेवरल इक्विपोटेंशियल सरफेस. यही तो है सेवरल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. देखो ये समझना. पहला वाला होगा सेव V1 वाला, दूसरा होगा ना V2, तीसरा क्या होगा. तो ये समझो सेवरल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है. अलग अलग पोटेंशियल सेम क्या
सेवरल इक्विनोडल सरफेसेस अगर पॉइंट चार्ज की देखेंगे तो आपको मिल रहा है कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, फॉर सेवरल इक्विनोडल सरफेसेस विल ऑब्टेन कॉन्सेंट्रिक क्या स्फीयर्स। ये ठीक है, बात समझे। फॉर अ लाइन चार्ज इट विल बी अ सिलेंडर एंड सो ऑन। बात समझा कि नहीं? ठीक है, चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें है बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो रही। पॉइंट नंबर वन रिगार्डिंग इक्विपोटेंशियल सरफेस, पहले इक्विपोटेंशियल समझ आ गया ना, इसका शेप भी समझ आ गया किस चीज पे डिपेंड करता है। अब इनके बारे में कुछ बातें सुनो रिगार्डिंग इक्विपोटेंशियल सरफेस। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इक्विपोटेंशियल सरफेस विल ईदर बी प्लेनर और सॉलिड। इक्विपोटेंशियल सरफेस विल ईदर बी क्या, प्लेनर और सॉलिड, बट नेवर ऑफ पॉइंट साइज। जरा यहां देख, यहां देख, लाइन चार्ज लिया ना, लाइन चार्ज लिया ना, क्या बन गया, सॉलिड है ना। पॉइंट चार्ज लिया ना, क्या बना, स्फीयर, क्या है, सॉलिड है ना। लेकिन आप जरा यहां देख, यहां देख, ऑलरेडी घुबरा या इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या छो। अब यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करनी है, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्यों था, इस तरह से ये वाला पॉइंट, कोई चार्ज है बहुत दूर है, बहुत मैंने कहा ना इनफाइनाइट दूर, तो जब फील्ड लाइन आएगी तो करीब करीब पैरेलल ही तो हो जाती है, यूनिफॉर्म फील्ड। अब मैं कह रहा हूं 10 वोल्ट की बात करो, इक्विपोटेंशियल सरफेस से सॉरी पॉइंट चार्ज से फॉर एग्जांपल 10 मीटर की दूरी पर ये वाला पॉइंट मिला, यहां का पोटेंशियल है 10 वोल्ट। बात समझ आती है, देखो कैसे इसमें पॉइंट चार्ज यहां की बात हो रही है। अब यहां पे फील्ड लाइंस पैरेलल होगी ना, जब तू यहां पर डालने की कोशिश करेगा वो कैसा बनेगा, वो बनेगा ना ऐसा प्लेनर बनना, बना कितना मतलब ये वाला पॉइंट भी 10 वोल्ट पे होगा, या ऐसी बात होगी। देखो ये सब फील्ड लाइन इसमें से पास हो रही है, लेकिन ये वाली सरफेस जो हमारी होगी ये सब के सब, ये वाला पॉइंट ये सब जो इस पर है वो सब के सब किस पे होंगे, 10 वोल्ट, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात जब होती है, यूनिफॉर्म मतलब सो पॉइंट चार्ज जो वायर दूर वाली सिर्फ सरफेस को लाभ की कोशिश करा तो चुपना है तला है तो सरफेस क्या है 10 वोल्ट वाली, 10 वोल्ट 10 वोल्ट देखो क्या 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट इसी जॉइन करो मैंने प्लेन फिगर से तरह। तो यस फॉर अ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इट कैन बी इधर प्लेनर और सॉलिड है ना, ठीक। इन यूनिफॉर्म फील्ड इट इज प्लेनर, नेवर ऑफ पॉइंट साइज, नेवर, इट कैन नेवर बी ऑफ पॉइंट, क्योंकि सरफेस है ना, पॉइंट साइज क्या है, इसका डायमेंशन ही नहीं है। बात समझ आ गई, इट कैन बी सॉलिड और प्लेनर, नेवर ऑफ पॉइंट साइज। अच्छी लिखियो, फॉर यूनिफॉर्म फील्ड इट इज प्लेनर, फॉर यूनिफॉर्म फील्ड इट इज प्लेनर। मुझे बता अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड व्हाट हैपेंस टू पोटेंशियल, इट डिक्रीजेस है कि नहीं। जरा यहां देख, अगर मैं ये 10 वोल्ट वाली बात कर रहा हूं, ब्याक सरफेस तो बनने हैं ना, पोटेंशियल सरफेस से फॉर एग्जांपल ये वाली, ये किस पे होगी, अगर इसका पोटेंशियल V1 है तो ऑब्वियस सी बात है V1 विल बी मोर देन 10 वोल्ट्स। या इसे अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस, या इसे अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस, दोनों सरफेसेस का अपना अपना वैल्यू होगा। ये वाली सरफेस फॉर एग्जांपल 12 वोल्ट वाली है, ये वाली सरफेस क्योंकि आप बोल रहे हो सर डिस्टेंस बढ़ाओ पोटेंशियल घटता है, इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड पोटेंशियल रिड्यूसेस इफेक्टिवली, पहली वाली सरफेस। तो इनके यूनिफॉर्म फील्ड ये भी कह सकते हैं जो प्लेनर सरफेस होती है पैरेलल टू ईच अदर है, क्या लिखित कितना, तो ये समझो यहाँ का पोटेंशियल होगा 12, यहाँ का 10, फिर 8, फिर 6, ऐसे सब चलता जाएगा, लेकिन तिमासन क्या प्लेनर, क्या आसन प्लेनर। नेक्स्ट, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट। बता बुशरा क्यों, नहीं नहीं इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेगी, फर्ज करो करती है, तो दो सरफेसेस ने जब इंटरसेक्ट किया तो मसला वही हो गया ना, मचा वो वैल्यू की नहीं। एवरी सरफेस इज ऑलवेज सिंगल वैल्यू, दे नेवर इंटरसेक्ट, हाउ वी आर
they never intersect. Every equipotential surface is single value. Every equipotential surface is single value. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगला, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिक्यूलर, इज ऑलवेज टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस. इज ऑलवेज क्या टू द, जरा ये डायग्राम ही देखो, शायद इससे समझ आ रहा है कुछ. जब ये वाली बात हो रही है ना, ये परपेंडिकुलर होगा. हाँ, शायद ऐसे समझ नहीं आएगा मैथमेटिकली एक्सप्लेन, लेकिन गॉड लिखे भी आप पॉइंट. क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू व्हाट, इक्विपोटेंशियल सरफेस. क्योंकि मैंने आपको उस दिन भी समझाया था, इसी कसान जब भी आप किसी भी चार्ज पे दिखाते हो फील्ड लाइंस, आप दिखाते हो परपेंडिकुलर, शो यार. फिर जब वो सरफेस पे चला जाएगा तो अलॉन्ग रेडियस वहां पे टेंजेंट गिरेगी. जैसे जैसे ये बात हो रही है, देखो यहाँ पे पॉइंट चार्ज है, सरफेस ने भी तो ये वाली इतनी सरफेस तो क्लीनर है ना, सॉलिड टच हुई, मगर एट द एंड इतना कोना जो इसका इस सरफेस का निकला होगा, इससे ये सरफेस है ना, यहाँ पे एक ही बड़ा चीज है ना, परपेंडिकुलर का फील्ड लाइन ऐसे घुस रही है इसमें. सो फील्ड लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है. ठीक है, बगैर ये वही मैथमेटिकल था एक्सप्लेन. अगला पॉइंट, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वर्क डन, शाबाश, इन मूविंग अ फ्रॉम वन पॉइंट टू ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज, शाबाश, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू ऑन एन इक्विपोटेंशियल इज जीरो. क्यों, जरा देखो यहां से, देखो अच्छे से. से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो पॉइंट्स है, ठीक है, वन इज पॉइंट ए, अनदर इज पॉइंट बी. सपोज ये पॉइंट्स दोनों मैंने सिलेक्ट किए हैं ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. क्या तेलचुना को बड़ा याद थी पोटेंशियल थी ये याद अच्छा, हम वी हैव डिफाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, इज इट, इट इज डिफाइंड एज, हां, द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विद इन द फील्ड. फर्ज कर तेरे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज था या एक सिंपली छोटा चार्ज था Q, B पे था, तुझे उसको कहां लेना है, तो यू डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस एज वर्क डन पर यूनिट ऑफ चार्ज. डिफाइन किया किया कि नहीं, विच इंप्लाइज वर्क डन इज ना बराबर दिल Q डेल्टा V. Q व्हाट इज डेल्टा V, तो वर्क डन कितना है, है ना. अब एक और चीज समझ, वर्क का थोड़ा सा बराबर क्लासिकल फिजिक्स से, हाँ, मैकेनिक्स लगा, इट इज फोर्स इनटू एफ डॉट एस. अच्छा, समझ तो फोर्स को मैं लिख सकता हूं ऐसे, फोर्स को मैं लिख सकता हूं दैट इट इज क्यू इनटू ई डॉट एस. हाँ, वो है कि नहीं. अच्छा, वर्ड ना, वर्ड इनटू जीरो है, वो कब जीरो होगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो चला था, क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्या चार्ज जीरो, तेरी क्या दलील, ई डॉट एस क्या होगा ना, क्यो ई एस कॉस ऑफ थीटा, वही तो जीरो है, बात समझ रहा है, तो ना ये जीरो है, ना ये जीरो है, ना ये जीरो है, कंफर्म हो गया कॉस थीटा जीरो है, विच इंप्लाइज थीटा कितना है, ये थीटा कौन सा एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट, वो बात समझ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, ये उस एंगल में सरफेस, तो सुनो ये बट योर यूनिट, तो शायद और दूसरी चीज, जब मैंने पोटेंशियल दिखाया था, अगर वो हमने जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात की इनसाइड फील्ड, हमने ऐसे लाइन रखी थी, फिर मैंने ऐसे लाइन रखी, तब एंगल आया था 90, बोला सर इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा. अब काम करते हैं यहां से, यहां एंगल तो फिर भी 90 है ना, पॉइंट ए पॉइंट बी, तो ए से बी पर ले रहा है एक छोटे से चार्ज को क्यू को, ठीक था, यू शुड बी इक्विपोटेंशियल छा कि ना, अब वर्क डन तो जीरो होगा, उससे कंफर्म हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ थी, हमेशा सरफेस जो सरफेस होगी वो ऐसे होगी ना,
इलेक्ट्रिक फील्ड आज हमेशा क्या परपेंडिकुलर टू व्हाट इक्विपोटेंशियल सरफेस. वो ये चीज तो क्लियर. अगला पॉइंट अगर हमारे पास होंगे बेटा दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, डाइपोल की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी आएगी समझ. आपको तो पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे चलती है, पढ़ा है कि नहीं. इधर पर नेरिया पर या नेरिया पर या देशिया पर या पर या पर या इधर पर कैसा. तो जब इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात की जाएगी फॉर अ डाइपोल टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, रिमेंबर इसका अपना इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा इधर पे कोई, फिर किसी और पोटेंशियल पे ये वाला होगा फिर किसी और पे ये वाला होगा कि नहीं. सिमिलरली इसको होगा, कोई इधर पे चलता जाएगा इसका अपना. दिस विल बी द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ डाइपोल. ठीक. लेकिन अगर डाइपोल नहीं होगा, अगर दोनों इक्वल तो होंगे लेकिन सिमिलर नेचर भी होगा. ठीक छा दिल से पता क्या फील्ड लाइन मत तैयारी हो, फील्ड लाइन ऐसे भागी की हो भाग भाग भाग, यही तो होगा. होगा कि नहीं जब यहां की फील्ड लाइन की बात करोगे. यस, यहां की फील्ड लाइन कुछ इस तरह की होगी. देखो यहां का यूनियन सरफेस ये वाला होगा, नेक्स्ट ये वाला होगा, इसका भी ये वाला होगा. और लेकिन हाँ, इसके बाद क्या होगा, एक कॉमन पॉइंट आने वाला, ये वाला जहां पर इसका फील्ड तो ये वाला था मगर हुमायूनी इंटरसेक्ट करने चलिए भाई दिल चुका सा ये है. इनके वुडन सरफेसेस मिल सकते हैं लेकिन इनके नहीं मिलेंगे क्योंकि पोटेंशियल इज स्केलर. पॉजिटिव का पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का दिमाग अगर इंटरसेक्ट करे अभी के लिए इंटरसेक्ट ये थैकन करे क्योंकि फ्रॉम दिस चार्ज इस डिस्टेंस पे सेम है. अब ये वाली अब लाइन मत बनेगी, वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू क्योंकि ये मुझे नहीं भी आई मीन गसनी मन जॉइनिंग तो व्हाई आर दिस ऑल अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. ओ बात समझे कि नहीं. हाँ, फॉर अ डाइपोल इक्विपोटेंशियल सरफेस इज लाइक दिस एंड फॉर टू सिमिलर चार्जेस It is like this. चलिए, डायपोल के लिए ऊपर वाला. ये समझे आप ये क्यों नहीं इंटरसेक्ट करे? क्योंकि आक्षु पॉजिटिव आक्षु और पॉजिटिव नेगेटिव. पॉजिटिव का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का तो इसका इस डिस्टेंस पे माइनस 10 है लेकिन इसका तो इस डिस्टेंस पे प्लस 10 है ना. ये मैं है कर इंटरसेक्ट करे. अलबत्ता यहां की बात करी, दोनों पॉजिटिव है सिमिलर. सपोज इतनी दूरी पे मिल गया 10 वोल्ट, इसका भी 10 वोल्ट होगा ना. तो 10 वोल्ट तो एक ही बात है, इक्विपोटेंशियल बनना में बिल्कुल नहीं कोई बने अच्छे फिक्र तोरा क्लियर छा. फिर वो एक्सप्लेनेशन समझ आ गई ना. लास्ट का पॉइंट फॉर अ कंडक्टर, फॉर अ नो टू पॉइंट्स For a conductor, no two points can ever have a potential difference. For a conductor, क्या? No two points can ever have a potential difference. Full stop. The charge immediately flows. The charge immediately flows
फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल द चार्ज क्या इमीडिएटली फ्रॉम हायर टू इन केस देयर इज सम डिफरेंस इन पोटेंशियल्स कंडक्टर का था ना इट ऑलवेज कंडक्ट्स व्हेनेवर देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज शुन मतलब शुन प्यारा इनके इट कैन नॉट लेट द डिफरेंस स्टे पानी ऊपर होता है पानी नीचे जगह होती है पानी जो ही नजर दिख रहा समझ क्या स्टेप लो करा पोटेंशियल डिफरेंस की बात अगर कंडक्टर के सरफेस पे पोटेंशियल डिफरेंस है चार्ज मानता नहीं इस बात को वो आप बाहर से बैटरी लगाओ ताकत दो नहीं दो कोई फर्क नहीं पड़ता आपका कंडक्टर डेफिनेशन से ही कंडक्टर है इफेक्टिवली नो टू पॉइंट्स ऑन द कंडक्टर कैन एवर हैव अ पोटेंशियल डिफरेंस तो वो यार हमेशा अल्ले तुझे कंडक्टर स्थाप करा तुझे ग्रीन दीवानी ना आ वंचु दीवान बैटरी कनेक्टेड उस बैटरी ने जबरदस्ती वो चीज की होती क्योंकि आपने क्या पढ़ा हमेशा कंडक्टर एक ऐसा होता है जिसमें सी ऑफ इलेक्ट्रॉन ना चला होता है उधर इधर है कि नहीं कचरा नहीं बन पाचुक्स अलाइन करा ना भाई या कोई यश वो सुचुक्स ग्रेडियंट क्रिएट करान पाने मोस सो देयरफॉर द सरफेसेस ऑफ कंडक्टर्स बिहेव एज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस तो भाई यार क्या लिखा लास्ट वन इन केस देयर इज सम डिफरेंस इन पोटेंशियल दस सरफेस ऑफ अ कंडक्टर विल ऑलवेज बी एन इक्विपोटेंशियल सरफेस सरफेस ऑफ अ कंडक्टर विल ऑलवेज बी क्या एन इक्विपोटेंशियल सरफेस अच्छा ठीक फुल स्टॉप समझ आ गया कि सर क्या होती है अब हमें एक और टॉपिक रहता है रिगार्डिंग पोटेंशियल्स दैट इज पोटेंशियल एनर्जी मगलोरियो ग्राफ पोर्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसके बाद हम डायपोल उठाएंगे फिर उसकी फील्ड और उसके पोटेंशियल और उसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे पात वादो इस फ्लक्सस में फ्लक्स पढ़ेंगे तो गॉसस लॉ की बात करेंगे तो उसके बाद चलते जाएंगे आई लाइक वही ब्याह रहता है कैपेसिटेंस लाइक अलग रहे सो थे जो अलग ही स्टॉप